आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गुरुद्वारा मोहद्दीपुर में पीएनएम सोसाइटी फॉर एजुकेशन हेल्प एंड सोशल अपलिफ्टमेंट तथा श्री राम घाट आरती समिति एवं मोहद्दीपुर गुरुद्वारा के सहयोग से 75 वर्षों की सफल जीवन यात्रा करते हुए समाज के लिए एक धरोहर रूपी अति वरिष्ठ नागरिकों एवं भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त कर चुके वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरक्ष प्रांत के संघ चालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह ने कहा कि ज्ञान के भंडार से परिपूर्ण सभी स्नेही वरिष्ठ जन अपनी अगली पीढ़ी को बहुत कुछ दे सकते हैं जो राष्ट्र गौरव के लिए अति महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व विभाग अध्यक्ष प्राचीन इतिहास दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय व पूर्व विभाग अध्यक्ष इतिहास संकलन योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रोफेसर डॉक्टर शिवाजी सिंह ने कहा कि भारत की हिंदू संस्कृति देश की सीमाओं के बाहर जाकर जोड़ने का कार्य करती है और हमारी संस्कृति विरासत की यात्रा ही भारत को विश्व गुरु बनाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर KPB सिंह ने कहा कि सैनिकों के लिए देश का सम्मान व रक्षा करना हमारा धर्म है। कार्यक्रम संयोजक हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर PK मल ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को अपने भीतर अनुभव करने वाले यहां उपस्थित ज्ञान के भंडार अति वरिष्ठ जन 75 वर्ष पूर्व शुरू किए गए अपने इस मैराथन यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक आज़ादी के मार्ग पर अग्रसर हैं। यह आज़ादी निरंतर चलता रहे इसके लिए हम सभी बड़ों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। कार्यक्रम में उपस्थित SP सिटी गोरखपुर सोनम कुमार ने कहा कि आप सभी श्रेष्ठ जनों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार गोरखपुर पुलिस आपके लिए हमेशा खड़ी है। कभी भी किसी भी तरह की समस्या का समाधान हमारे पुलिस बल से अपेक्षित हो तो हम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कार्यक्रम में गुरुद्वारा मोहद्दीपुर के सचिव सरदार मनमोहन सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत और डॉक्टर शिवेंद्र सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में जगदम्बा मल, सरदार जसपाल सिंह, कर्नल SP सिंह, विंग कमांडर रविंद्र शाही, कर्नल शारदा सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट Y सिंह, त्रिपुरारी सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर योगेंद्र राय, फ्लाइंग ऑफिसर उमेश कुमार सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर अशोक शाही, PNM सोसाइटी, श्री राम घाट आरती समिति, श्री गुरुद्वारा मोहद्दीपुर के कार्यकर्ता राम इकबाल सिंह, राजेश सिंह, डॉक्टर शांतनु मल, विशेन, नवीन चौरसिया, राम विनय सिंह, मिथिलेश मल, अंशु माली धर दुबे भक्ति, हिमांशु गुप्ता, वेद प्रकाश, GK द्विवेदी सहित सैकड़ों लोगों ने सहभागिता की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए RSS के संघ चालक डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर PK मल ने कहा, ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आते हैं, एक फिल्म दीप जलाते हैं और भारत के चित्र पर पुष्पांजलि इसी उद्देश्य से किया जाता है। हमारा जो लगाव हो वो सदैव ऊंचा रहे, हमारे भय हम सभी को मिलता रहा, एक प्रेरणा दर्शन में ही हम आगे बढ़ते रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद समय समय पर नहीं है जो तिजोरी में समय है, यह खिलौना भी नहीं जिसका दाम हर ग्राहक लगाए। उगाए लव को न टोको, ज्योति के रथ को न रोको, यह सुबह का दूध हर तम को निगल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अध्यारा। अल्पवा की परंपरा का निर्वहन करते हुए अतिथि अभिनंदन भागीदारी कर लेते हैं पर अपने वरिष्ठ जनों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं बहुत आभारी हूं श्री PK मल जी का, हिंदी के महाध्यापक का स्वागत करते हुए। आजादी के पूर्व में इस धरा पे आए हमारे बहुत ऐसे महानुभाव, हमारे मार्गदर्शक, हमारे समाज के अग्रज यहाँ पे उपस्थित हैं जो उस चीज को अपने दिल में सजोए। आज ये कलित
सांस्कृतिक आजादी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। एक बार भारत माता की जय के साथ हम लोग अपने युवा खून की बात करेंगे, भले उम्र में हो, लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम सब आपके साथ में अपने आप को युवा महसूस करते हैं, आप भी करते हैं। भारत माता के आजादी के अमृत महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हम सभी लोगों के मार्गदर्शक आदर्श गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास विभाग सम्मानीय प्रोफेसर शिवाजी सिंह जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम सब लोगों के अग्रज एक समाज में एक नई दिशा देने के लिए एक बहुत बड़े संगठन पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदुत्व विचारधारा को पूरे विश्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की तरह से आगे बढ़ाने के लिए आज के इस गोरक्ष प्रांत के संचालक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सम्मानीय डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी आज के इस मंच पे उपस्थित सेना में अपने जिसके लिए जो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं जब हमारे सेना के जवान सीमा पे जो बुजुर्ग हैं आजादी के इतने वर्षों बाद और ऐसा अनुभव लेके अपने साथ में आज इस उम्र के पड़ाव पे हैं कि उनके भीतर ज्ञान का भंडार है, उनके भीतर चीजों को देख के अनुभव उन्होंने किया उसका एक भंडार है जो 75 वर्ष पूर्व शुरू होके और आज भी हमें एक आशीर्वाद उस ज्ञान के भंडार को हमको दे सकते हैं। ऐसे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक जनों के साथ एक संवाद स्थापित करना चाहिए और साथ में बहुत सारे ऐसे हमारे वरिष्ठ नागरिक जन हैं जो अपनी युवा अवस्था में परिवार का पालन पोषण करते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाए देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी इस युग में अपने कार्य की प्रतिबद्धता के कारण से अपने घर के लोगों के पास पहुंचने में थोड़ी देर या समय लग जाता है। ऐसे लोगों की सुरक्षा का भी भाव हम लोगों के बीच में रहना चाहिए और पैदा करना चाहिए और प्रशासन के साथ में आज माननीय पूज्य महाराज जी सदैव पूज्य महाराज जी के उस भावना के अनुरूप उनके मार्गदर्शन में उनके प्रेरणा से हम लोगों ने प्रशासन के लोगों को भी आग्रह किया है, पुलिस के लोगों के एसपी सिटी अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में मौजूद होंगे कि इस परिस्थितियों में हमें उनका सहयोग कैसे मिल सकता, हम उनसे कैसे सहयोग ले सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच क्या कहें, मंच और मंच के सामने सब लोग मंचासीन हैं, इसलिए कि सब लोगों ने 75 वर्ष की उम्र के बाद समाज को जो दिया है सभी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब लोगों के आदरणीय हैं। सम्मानीय श्री जगदम्बा मल जी हमारे बीच में बैठे हैं, आपने नॉर्थ ईस्ट में जनजातियों के बीच में इतना बड़ा कार्य किया है और आपने कई पुस्तकें लिखी हैं और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस सभागार में हमारे सामने ऐसे विभूतियां बैठे हैं जिनका मैं तो समझता हूं कि हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण और समाज को आपने पूरे जीवन में सब कुछ दिया है। सेना के इतने अधिकारी, इतने कैप्टन और कर्नल लेवल के अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी लोगों ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, हम आपके बहुत ऋणी हैं। हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आया है अपने इतने सालों के अनुभव के साथ में वो पुनः समाज को हम अपने अपने स्तर पे रहते हुए उस समाज को दें और एक बृहद राष्ट्रवादी समाज की स्थापना हम सभी लोग मिलकर करें। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों के इस ज्ञान का भंडार हम सभी लोगों को मिले, इसके लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। ऐसे लोग आए जहां पे मार काट और उत्पात मचाने के लिए, एक ऐसे कौम से लोग आए जो हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं। जितने भी सम्मानीय आए हुए हैं, इंजीनियर पी के मंत्री, महामंत्री हिंदू वाहिनी, आपने उसके लिए बहुत देश का हुआ देश की तकदीर। वरिष्ठ नागरिक चित्र
हो, हर तरह के उन सभी लोगों को इस युवाओं को प्राप्त होता रहा है। मंत्री शिक्षा विद्यालयों का राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े लोगों का है, आपके यहाँ तो सभी युवाओं को हो रही है। अगर समाज में उनको कभी ठंड से ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप से जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। सब लोग मेरा उम्मीद है कि 75 साल से ऊपर के होंगे, 80 साल तक होंगे, 90 साल तक होंगे। जिस पड़ाव पे हैं, आपके पास बहुत अनुभव है, बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ आपने देखा। भारत का निर्माण करने में जिस स्थिति में भारत आज है, क्योंकि जब आजादी हुई थी तब एक सुई तक नहीं बना पाते थे हम, पर आज दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि भारत में नहीं बन रही। तो इन सब में आप सबका योगदान है। अलग अलग क्षेत्रों में आप रहे होंगे और अलग अलग अपने अनुभव प्राप्त किया होगा, पर उम्र के इस पड़ाव में ऐसा होता है कि आप शांत रह जाते हैं, आपकी बात हम तक पहुंचती नहीं। मेरे पिताजी स्वयं सिविल इंजीनियर हैं, वो भारत सरकार से रिटायर हुए हैं। मेरी बात जब होती है तो मेरे को ऐसा कई बार लगता है, वो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे क्योंकि नौकरी हमारी ऐसी है कि हमें भारत के अलग अलग जगहों पर जाकर काम करना पड़ता है, तो उनकी बात मुझ तक पहुंच नहीं पाती। जब मैं छोटा था तो सारी बातें वही बताते थे, मेले में लेके जाते थे, पढ़ाई की जब बातें पढ़ाते भी थे, पर अब वो बातें मुझ तक पहुंचती नहीं। तो मैं ये चाहूँगा एक संवाद बने, आपका जो अनुभव है, आपका जो तजुर्बा है, वो हमारी जनरेशन तक पहुँचे, और खास करके अभी जो जनरेशन जो सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई है, उन तक पहुँचे। क्योंकि जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने बताया, और पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, मैं ये कहूँगा। जैसे आपके आपके टाइम आपके वक्त में वक्त होता था बहुत लोगों के पास, लोग किताबें पढ़ते थे, लोग विचार विमर्श करते थे, वाद विवाद करते थे। इस देश में हम जानते हैं पहले 36 करोड़ देवी और देवता, देवी और देवता वह थे जो अपने क्षेत्र में किसी न किसी फील्ड में एक्सेप्ट किए गए, सर्वोत्तम कार्य किए। आप भी अपने अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य किए हैं, इसलिए आप हमारे देवता समान। समाज को आपकी अपेक्षा है और जरूरत है। हम ये जानते हैं कि हमारा ये जो समाज है वह रेसिपिएंट सोसाइटी, पाने वाला समाज, भैया से बात हो जाएगा। एक ऐसा ना नैरेटिव, एक ऐसी कहानी बनाई गई, एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें हम अपने पैरों पर खड़ा होने की अपेक्षा दूसरे की मदद पर भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि हर काम में सरकार हमारी मदद करेगी। यहाँ पर विवेकानंद जी का उल्लेख किया गया है, अगर ये विष्णु साहब है, एसपी साहब ने किया है, गोरखपुर के बाहर और देश के बाहर नहीं जाना चाहता है। विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास गोरखपुर विश्वविद्यालय मेरा मूल परिचय है, पर वह मेरा आज का सामान्य परिचय नहीं रह गया। आज मेरी पहचान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसंगिक संगठन है, उसका मैं 6 वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा तो का। और समय मुझे जो अवसर मिला, कुंभ सुदर्शन जी उस समय थे, भागवत जी उस समय दूसरे पादान पर थे, और लोग चाहते थे कि मैं पूरे देश में भ्रमण करूं और भाषण दूं भारतीय संस्कृति पर।
उसके बहुत पहले आज से लगभग 50 वर्ष पहले मेरे जीवन में एक घटना घटी थी जो गैर संजोगी था। भारत सरकार को एक आदमी की ऐसी तलाश थी जो यूरोप जाए और यूरोप के हर उस विश्वविद्यालय में जहाँ अंग्रेजी माध्यम है वहाँ भारतीय संस्कृति पर एक भाषण दे। चुनाव हुआ शास्त्री भवन में दिल्ली में, भारतीय चेतना को जगाने में और एक दूसरे के जानने में, एक दूसरे के दुख को समझने का अवसर मिलता है। इंजीनियर पीके मल जी के द्वारा जो आयोजित किया गया था, यहाँ उपस्थित होकर के अपना अहो भाग्य मानता हूँ। यहाँ पर इतने भूतपूर्व सैनिक, पुलिस के अधिकारी, इंजीनियर, अधिवक्ता, अध्यापक, सभी वरिष्ठ 60 से ऊपर वरिष्ठ नागरिक वहाँ पर उपस्थित थे, उनका सम्मान दिया गया। प्रोफेसर शिवाजी सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। ब्रिगेडियर बीपी केपी बी सिंह साहब यहाँ पर अतिथि थे। यहाँ पर आने पर जो पुराने लोग हैं उनके अनुभवों को सुनने और साझा करने का बड़ा अवसर मिला, और उन्होंने इसी के साथ स्वच्छ भारत और स्वच्छ गोरखपुर के लिए हमसे योगदान की अपेक्षा की है, जिसका मैं भी समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व में भारत की एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और ये 75 वर्ष हो गए हमें एक भौगोलिक आज़ादी के रूप में 1947 में हमारा ये भारत बना, लेकिन एक सांस्कृतिक आज़ादी हमें अब प्राप्त हो रही है जब माननीय मोदी जी और कुछ महाराज जी योगी जी जब इलाहाबाद को प्रयागराज की ओर अग्रसर कर रहे हैं और फैजाबाद को अयोध्या धाम की ओर अग्रसर कर रहा है। हमारे जो मूल चरित्र था बीच के समय में वो इधर उधर भटक गया था, उसे पुनर्स्थापित करने का कार्य हो रहा है, और आज 75 वर्ष से ऊपर के 75 वर्ष से ज़्यादा लगभग 85 लोगों को हमने आज यहाँ पे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये सारे पूर्व सैनिक और अपने विभिन्न कार्यों में दक्ष, जो लगातार अपने क्षेत्र में निपुण हैं, बहुत ऐसे पत्रकार हैं, बहुत ऐसे लेखक हैं, कवि हैं, जो लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। चूँकि कुछ महाराज जी इस उत्तर प्रदेश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, खास करके गोरखपुर का विशेष ध्यान उनका है, क्योंकि यह उनकी कर्मभूमि है, गुरु गोरखनाथ जी का पवित्र स्थल है, तपोभूमि है, तो इस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण है कुछ महाराज जी की दीर्घायु की कामना के लिए, उनके लगातार आगे कार्य करते रहने की कामना के लिए लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हम लोगों ने किया।